खाएंगे अपन यार, बढ़िया यार। सर्दियों में तो यार गज्जक खाने का असली मजा है। और दूसरा, बहुत ताकत देती है यार गज्जक। नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, और सभी बड़ों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। शाम के बज रहे हैं यार 6:30, और दिन में अपने जो भी कामकाज थे उन सबसे फ्री होकर के, और शाम को क्या है, एक काम से मैं निकला हूँ और अभी जा रहा हूँ सीधे मैं मानसरोवर की तरफ। तो मानसरोवर जा कर के और एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जाना है मेरे को पहले यार, तो वहाँ से कुछ खरीदना है। देन उसके बाद में क्या है कि एक दोस्त है उसको कुछ उसका पैकेज है ना वो भी डिलीवर करना है, मेरे पास रखा हुआ है। अभी तक तो क्या है, ट्रैफिक बढ़िया स्मूथ दिख रहा है, ये देख ही पा रहे होंगे आप लोग कि हाँ ज़्यादा भीड़ भड़क्का है नहीं। लेकिन अभी एक आध घंटे के अंदर क्या है कि एकदम फुल ऑन खचाखच होने वाला है। और रेलवे स्टेशन पे भी यार कोई खास ट्रैफिक दिख नहीं रहा है। देखिए मेरे आगे भी इसलिए रुका है क्योंकि एक ऑटो बस सवारी उतार रहा है, अदरवाइज आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, देखिए पूरी खाली रोड चल रही है। ये रेलवे स्टेशन की एग्जिट है। और जैसे जैसे क्या है, सर्दियों का मौसम आते जा रहा है ना यार, और सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं, कहीं कहीं तो बढ़िया गलन भी स्टार्ट हो गई है। वैसे ही क्या है कि यार ये जो मूंगफली की गज्जक होती है ना, गुड़ वाली, एक तो आती है पतली, एक आती है मोटी जिसमें पिस्ते विस्ते आते हैं, वो यार खाने का बड़ा ही मन हो रहा है यार। अभी 15-20 मिनट से जैसे जब से मैं निकला था, तो सोच रहा हूँ आते टाइम यार वो ज़रूर लेके आऊँगा। क्या बढ़िया लगता है यार राजपूताना शेरेटन शाम को, देखिए। और नया वाला गेट जब से लगाया, मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में भी दिखाया है, तब से तो और भी ज़्यादा प्यारा और खूबसूरत लगने लग गया है यार। बढ़िया सुकून चल रहा है अभी तक तो, एकदम प्यारा, ये देखिए। और सूरज की लालिमा कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है यार, है मतलब देख के ही मज़ा आ रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। देखो माहौल ऊपर से क्या है, रेडनेस जो है अभी थोड़ी थोड़ी सी बची हुई रह गई है, अंधेरा होने में कुछ 10-15 मिनट टोटल बाकी हैं। ये बीच में क्या है यार, काम शुरू हो गया है, देखो सड़क के बीच, या तो डिवाइडर निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, जयपुर क्लब के सामने से काम स्टार्ट हुआ है। और इसकी वजह से क्या है, अब जो सड़क है ना वो और छोटी हो गई है दोनों ही तरफ। और साथ में क्या है कि देखिए JD8 वर्क लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ, इसी कारण जो है ना कुछ दिनों से धूल मिट्टी उड़ाते हुए, क्योंकि क्या है, जैसे मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, मैं टू व्हीलर पे हूँ, किसी पे भी हूँ, मैं टू व्हीलर पे हूँ तो मेरे को दिक्कत होती है क्योंकि लोग मिट्टी विट्टी उड़ाते हुए आते हैं, गाड़ी में होते हैं तो गाड़ी से मिट्टी उड़ जाती है, चाहे आप कितने आराम से प्यार से चलाओ। तो इसलिए क्या है कि यार धूल और ये सब है ना, मतलब धूल का गुब्बार सा बन जाता है कभी कभी, तो ज़्यादा ही ट्रैफिक होता है ना उस टाइम पे, तो ऐसा लगता है कि यार मतलब सामने है ना धुंधलापन छा जाता है। भाई साहब लगता है कि पूरा ऑफिस सेटअप कर रहे हैं, ऑफिस का बढ़िया सामान वामान ही, देखो अंदर चेयर ही चेयर है। फ्यूल है अपना बहुत ज़्यादा कम, तो चलो पहले है ना अपन डीजल डला लिए, अपन ने डला लिया है 2000 का डीजल, और आजकल इसकी सुई जो है यार वो धीरे धीरे उठती है, और ट्रैफिक भी अपना स्टार्ट हो चुका है। ये जो गुड़ मूँगफली की गज्जक होती है ना यार, बड़ी ताकतवर होती है, क्यों, क्योंकि क्या है कि आप देखिए मूँगफली मिल गई सर्दियों के अंदर बढ़िया, जिसमें गर्मी होती है अच्छे से, है ना, और साथ में क्या है कि आपका गुड़ मिल गया, पोटेशियम वगैरह सब है गुड़ के अंदर और ताकत भरपूर है। तो गुड़ और मूंगफली की जो गज्जक है ना यार, बेस्ट कॉम्बिनेशन है, खाइए दबा के। या फिर आप है ना, अगर गज्जक नहीं हो घर पे और मूंगफली पड़ी हो, और गुड़ तो सर्दियों में लोगों के घर पे रहता ही है, हमारे यूपी साइड में तो यार गुड़ दबा के बनता है, तो मैं तो अभी गाँव से लेकर के आया हूँ 3-4 दिन पहले ही, 15-1 किलो डाल करके लाया था। हमारे तो क्या है ना यार, 15 किलो गुड़ भी है ना सर्दियों के अंदर, डेढ़ महीना मुश्किल से है ना, डेढ़ महीने में खप जाता है। पूरे दिन भर में जब भी खाना होता है ना, तो उसके बाद गुड़ खा लेते हैं आराम से बढ़िया, और गुड़ से क्या है डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है, तो और सर्दियों में बढ़िया रहता है, खाना चाहिए। ये मैं पहुँच गया हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम, और बस गाड़ी लगा लेते हैं यार एक बार। मैं अभी है ना इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम पर गया था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम भी जाना है, और मुंह में मैंने है ना लौंग डाल रखी है क्योंकि मेरे 5-6 दिन से है ना खांसी बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैं एक्टिवा पे जो है आर्मी एरिया के सामने से होते हुए निकल लिया था, और आर्मी एरिया वगैरह में आसपास में क्या है पेड़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो प्लांटेशन वगैरह अच्छी होती है, तो क्या है थोड़ी सी सीने में है ना ठंड सी बैठ गई, तो इसलिए खांसी वांसी हो रही है। तो शोरूम से मैं लेकर के आया हूँ इंडक्शन, मैं आपको अभी दिखाता हूँ और कितने का लाया हूँ ये भी बताता हूँ। तो जी मैंने लिया है ये इंडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है शॉप से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक शोरूम से, देखिए बजाज का इंडक्शन लेकर के आया हूँ मैं, और ये देखिए ये है अपना 1 ईयर वारंटी तो सभी पे आती है शायद, और 2100 वॉट का है ये मेनली जो है इंडक्शन जो है ये 2100 वॉट का है। इंडक्शन ख़रीदने की ज़रूरत इसलिए पड़ी, हमारे घर में तो क्या है कुकिंग स्टोव ही काम में लेते हैं यार, जो चूल्हा वगैरह होता है, लेकिन क्या है कि यार मेरा कज़िन ब्रदर आया हुआ था गाँव से, तो वो इंडक्शन के ऊपर कुछ कल रात को गर्म कर रहा था, तो गर्म करते करते क्या है कि मतलब गर्म कर रहा था, फिर शायद कढ़ाई में कुछ बना भी रहा था,
तो उससे कढ़ाई क्या उठाने में है ना इंडक्शन पे छूट गई, तो इंडक्शन का क्या है एलिमेंट भी दिखने लग गया, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि अब कैसा लग रहा है वो इंडक्शन। तो इस वजह से क्या है कि घर में एक आप बैकअप के लिए रखते हो ना इंडक्शन, तो वैसे ही अपने भी रखा हुआ था, तो इस वजह से मैंने क्या है कि यार अब की बार पहले 1600 वाट का था, ये दूसरा ले लिया है बजाज का, ये पड़ा मेरे को करीब 3200 रुपये समथिंग के आसपास का, और 2100 वाट का है और इसमें कुछ नए फीचर्स वगैरह भी हैं, तो मैंने कहा कि यार पहले से एडवांस लेते हैं, कुछ नया ले रहे हैं। तो ये जी अपन चल रहे हैं, नया पुल बना है जयपुर के अंदर जो कि सीधा सहकार भवन पे निकलेगा, ये देखिए हॉलीडे इन नहीं सहकार भवन नहीं सॉरी सहकार भवन से आगे निकल रहा है ये, अंबेडकर सर्किल से जस्ट पहले निकल रहा है, और इसका नाम भारत जोड़ो सेतु, भारत जोड़ो सेतु ऐसा रखा है क्योंकि कांग्रेस वालों ने काम किया है तो भारत जोड़ो रख दिया, उनको नाम समझ आ नहीं रहा होगा। तो बात यह है कि इसके काफ़ी सारे जो हैं दिक्कतें भी हैं इसके अंदर, वो मैं कभी और आपको बताऊंगा। बाकी लाइटें वाइटें बढ़िया लगाई हैं यार इसके ऊपर, लेकिन इसकी जो दूसरी वाली साइड है ना जो ऊपर चल रही है उसकी काफ़ी सारी डिसएडवांटेजेस हैं। ये जो पुल है ना, पुल बनते के साथ 19 दिन में पहला एक्सीडेंट हो गया था और एक आध और भी हुए हैं, क्योंकि पुल के जस्ट सामने जो है मेट्रो पिलर आ रहा है दूसरी वाली साइड के आगे, और नीचे से ऑलरेडी एक ट्रैफिक आ रहा होता है लेफ्ट हैंड साइड से, तो क्या ये पुल या तो और आगे तक बढ़ाया जाता, अब जहाँ पर इसको ख़त्म किया गया है ना, तो क्या है एक तरीके से बस काम ख़त्म करा गया है कि भैया काम कैसे भी पूरा कर दें अपन, अदरवाइज़ क्या है कि आप खुद ही सोचिए कि सामने बीच में जहाँ उतर रहा है वहाँ मेट्रो का पिलर, और कितने बड़े पिलर होते हैं मेट्रो के, और नीचे से ट्रैफिक आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि क्या कोलाइजन होगा। बाकी धीरे धीरे अपना ट्रैफिक बढ़ चुका है, रामबाग रेड लाइट के ऊपर खड़ा हूँ मैं, और देखिए रेड लाइट काफ़ी दूर है, भले ग्रीन हो गई है लेकिन क्या है अपन शायद दो बार में निकल पाएंगे, भले ही ट्रैफिक चल दिया है लेकिन देखिए दोबारा से रेड हो गई है। ये संतोखबाद दुर्लभ जी हॉस्पिटल है, SDMH लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसके गेट पे से अभी भी दिवाली की लाइटें हटी नहीं है, लेकिन यार हॉस्पिटल में किसकी दिवाली मनती है यार, हॉस्पिटल में तो यार कोई भी जाना पसंद नहीं करता है, और भगवान से मेरी भी प्रार्थना है कि यार हॉस्पिटल किसी को जाना ही ना पड़े यार, हॉस्पिटल जो है किसी के परिवार को हॉस्पिटल का दरवाज़ा है ना खटखटाना ना पड़े। अभी मैंने काफ़ी दिन बाद एक अच्छी बात देखी कि एम्बुलेंस जा रही थी यही SDMH संतोखबाद दुर्लभ जी हॉस्पिटल के अंदर, तो पूरा का पूरा ट्रैफिक है ना एकदम से रुक गया, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है यार, अदरवाइज़ आगे पीछे के लोग थोड़े थोड़े तो मूव कर ही लेते हैं, पूरा ट्रैफिक रुक गया, मैं ऑलरेडी पीछे ही था, मुझे अच्छा लगा उसको, बहुत ही क्लीन पैसेज मिला यार, बहुत क्लीन पैसेज, ऐसा बहुत ही ज़्यादा रेयरली देखने को मिलता है यार। ये अपने अपन आ चुके हैं बिरला मंदिर रेड लाइट पे, और सामने बिरला मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये JLN मार्ग पे चल रहा हूँ मैं, और उल्टे हाथ पे अपने आ चुकी है राजस्थान यूनिवर्सिटी इस बस के जस्ट पीछे, और यार ये लाइटें कितनी बढ़िया लग रही है ना यार तिरंगे वाली, दिवाली से थोड़ा सा पहले लगी थी, दिवाली के कुछ दिन पहले से लगी थी, और आशा करता हूँ कि यार ये है ना आगे तक लगी रहे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया लग रही है, जितने भी लाइट के पिलर्स हैं ना खंबे हैं उनके ऊपर सभी के ऊपर क्या है कि ये LED लाइट जो है, मतलब जो भी बोलते होंगे यार LED बोलते होंगे कुछ बोलते होंगे वो मुझे नॉलेज नहीं है, बहुत ही बढ़िया लग रही है यार तिरंगे कलर की, ऊपर ही ऊपर सैफरन फिर बीच में अपना वाइट आ गया एंड देन ग्रीन, बढ़िया एकदम। ये आ गया है अपना राजस्थान यूनिवर्सिटी का गेट, ये जो गौरव टावर की पुलिया से राइट में फ्लैट्स दिखते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रोजेक्ट आ रहा है ये, मतलब आधा तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन बहुत प्यारा लगता है बहुत ज़्यादा। ये देखिए ये एक टावर और बना रहे हैं ऊंचा सा इसके अंदर, ये प्रोजेक्ट कोई CPC बिल्डर हैं जो बना रहे हैं, और काफ़ी महंगे फ्लैट्स बना रहे हैं यार, जो स्टार्टिंग रेंज है वही बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट क्या है प्रोजेक्ट अच्छा होना और आपको क्वालिटी मिले वर्थ मिले प्राइस का, तो आदमी यार देने को रेडी हो जाता है। ये GT वाली रेड लाइट के ऊपर खड़ा हूँ मैं, पता नहीं रेड लाइट को क्या प्रॉब्लम हो गई है, तो पुलिस वाले भाई साहब जो हैं वही डायरेक्ट कर रहे हैं पूरा ट्रैफिक, और इस टाइम पे यार इंसान के थ्रू डायरेक्ट करना जो है ना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, पीक ट्रैफिक आवर्स के टाइम पे अगर है ना रेड लाइट ख़राब हो जाए ना तो पुलिस वाले दो क्या यार चार भी लगा दो ना, तब भी थोड़ी सी है ना मुसीबत सी पड़ जाती है, क्योंकि क्या है कि रेड लाइट को तो देख करके आदमी चल ही रहा होता है कि ठीक है रेड हो गई ग्रीन हो गई, एकदम जो मेन रेड लाइट्स होती है ना उन पे तो लोग फॉलो कर ही लेते हैं नियम, इंटरनल लाइट्स के ऊपर तो आप जानते हैं कि लोग इधर से उधर बस घुसते रहते हैं, लाइट हो रही हो नहीं हो रही हो कोई मतलब नहीं होता किसी को, बट अभी इस टाइम पीक ट्रैफिक आवर्स के अंदर और ये रेड लाइट भी मेन है जो गौरव टावर वाला चौराहा है, जिससे आगे आप जवाहर सर्कल जाते हैं राइट में आप निकल गए मालवीय नगर, और मतलब लेफ्ट में मालवीय नगर निकल गए, ऐसे क्या है काफ़ी सारी चार रोडें जा रही हैं इसके तरफ से, एक पे मैं खड़ा ही था
तो यार बड़ा मुश्किल सा समय हो जाता है ये संभालना ऐसा ट्रैफिक, अगर रेड लाइट में कोई इशू आ जाए तो। शादी का सीजन आ गया है तो बारातें भी जाएंगी यार। ये देखो दूल्हा क्या बढ़िया बग्गी पे जा रहा है। तो क्या है जी, कुछ दिन पहले से है ना शादी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और बढ़िया सावे वगैरह शुरू हो चुके हैं, तो बस अब बढ़िया बढ़िया शादियाँ होंगी और अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा सर्दियों के अंदर। देखो यार मैं तो इतना शादी में जाना पसंद करता नहीं, लेकिन क्या है कि ज़्यादातर सारे दोस्तों की शादी हो चुकी है और एक दो दोस्त ही हमारे बच्चे हैं, तो उसमें से एक तो मेरे कज़िन की मैरिज है अभी 3 दिसंबर की, और फिर उसके बाद 7 दिसंबर को है ना मेरे एक नर्सरी बैचमेट है भाई की, तो उसकी भी है ना मैरिज है। तो बस अब शादियां हमें भी एक आध अटेंड करनी है, तो 8-10 दिन क्या है उसी में है ना पूरे के पूरे चले जाने हैं, क्योंकि कज़िन की मैरिज में तो पहुंचना पड़ेगा 3-4 दिन पहले, और दोस्त भी 2-3 दिन तो मांगेगा ही मांगेगा। तो बस घर से जस्ट पहले वाली रेड लाइट पे पहुंच गया हूं और व्लॉग को एंड करते हैं यार, नींद भी बहुत तेज़ आ रही है, बच गए हैं यार 10:40। तो बस घर पे जाता हूं मैं यार, बस पहुंच गया हूं, 1 किलोमीटर मुश्किल से घर बचा है। और आप लोगों ने यहां तक का व्लॉग देखा है तो लाइक करना ना भूलिएगा यार, लाइक ज़रूर करा करिए मेरे व्लॉग को, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, ठंड शुरू हो चुकी है।